नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर। मैं हूं आकाश। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे काली हल्दी की। जी हाँ, काली हल्दी बहुत ज्यादा टोने टोटकों में काम आती है। ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, इस कदर अंधविश्वासी लोग यहाँ रहते हैं कि यहाँ हर दिन भगवान और पूजा पाठ को भी काफी ज्यादा तरजीह दी जाती है। वहीं दिन के हिसाब से भगवान का दीदार भी इस देश में होता है। वहीं आपको ये भी बता दें, यहाँ पूजा पाठ के अलावा राशि, कुंडली, टोने टोटके, भूत प्रेत से बहुत सारी चीजों को जोड़कर देखा जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस देश में हर एक दिन कुछ ना कुछ आस्थाओं के नाम पर जरूर होता रहता है, जिसके चलते बहुत से लोग धार्मिक आयोजनों का हिस्सा भी होते हैं। तो आज हम आपको इसी से जुड़े, टोने टोटके से जुड़े, या फिर यूं कहें कि उपायों से जुड़े कुछ ऐसे आसान उपाय या टोने बताने जा रहे हैं जो काली हल्दी से जुड़े हुए हैं, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है और आप अपने जीवन में स्वयं के लिए खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि इससे आप किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ आ रहा संकट इससे दूर हो सकता है। तो चलिए आपको बिना देरी किए बताते हैं आखिर कौन से हैं वो काली हल्दी के आसान उपाय। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में काली हल्दी का टीका लगाकर आप घर से निकले तो आपको लाभ जरूर होगा। आपको बता दें, आप किसी कारोबार में, व्यापार में, या फिर किसी भी पढ़ाई लिखाई या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको रोजाना असफलता हाथ लग रही है, तो ऐसे में आप काली हल्दी का टीका लगाकर अपने घर से निकलेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। वहीं आपको बता दें, हमारे घर में, लगभग सभी घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत जल्द ही नजर का शिकार हो जाते हैं। तो आपको बता दें, एक ऐसे इस नजर शिकार से बचने के लिए आप काले कपड़े में काली हल्दी को बांधकर इसे बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार लें और फिर एक बार इस कपड़े में बंधी हल्दी को तुरंत बहते हुए जल में बहा दें तो उस बच्चे को कभी भी नजर नहीं लगेगी, साथ ही उसको लाभ जरूर होगा। वहीं अगर घर में अशांति रहती है या फिर यूं कहें कि ग्रह क्लेश बना रहता है, तो घर के मुख्य द्वार पर काली हल्दी को काले कपड़े में बांधकर टांग देने से आपके घर का क्लेश दूर हो जाएगा, समाज में आपका सम्मान जरूर होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आपके प्रवेश करने लगेगी। वहीं बीमारी को दूर करने के लिए काली हल्दी, गुड़ और चने की दाल को लेकर इन्हें आटे से बने 2 पेड़े बना लें और उसमें रख लें। आटे के इन पेड़ों को बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार दें और फिर किसी गाय को खिलाने से उसकी लंबे समय से चली आ रही बीमारी में उसको लाभ जरूर मिलेगा। वहीं चांदी के छोटे डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर को एक साथ रख लें। फिर शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को इसे लक्ष्मी माँ की तस्वीर के आगे रख दें। कुछ देर बाद इसे अपनी तिजोरी या यूं कहें कि गले में रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। आपके घर में जो तिजोरी है या फिर आपके कार्य क्षेत्र में उसको कोई तिजोरी या फिर कोई भी डब्बा या कोई भी ऐसी चीज है जहां आप अपना धन या महंगी सामान रखते हैं, उसमें आप इसको रख लेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। आपकी तिजोरी हमेशा नोटों से भरी हुई नजर आएगी। तो दर्शकों, ये कुछ काली हल्दी के आसान से उपाय करके आप काफी ज्यादा मालामाल बन सकते हैं, जीवन में करोड़ों का मुनाफा भी इससे आपको हो सकता है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।